देखिए, मैं बालाघाट जिले की जो जिला मुख्यालय की सीट है बालाघाट लालबर्रा विधानसभा क्षेत्र 111 उसकी कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी हूँ। मेरा नाम अनुभव मुंजारे है और यहाँ के जो हमारे वादे हैं, जो वचन है जनता के प्रति, वो यही है कि लालबर्रा बालाघाट विधानसभा क्षेत्र में लंबे समय से, लगभग 35 साल से भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे हैं और वर्तमान में वो अभी विधायक भी हैं और कैबिनेट मंत्री भी हैं, श्री गौरी शंकर बिसेन जी। लेकिन यहाँ इस क्षेत्र का जैसा चहुमुखी विकास होना था, यहाँ पे उन्नति होना था, वो कुछ हुई नहीं है। तो मैं तो यही कह रही हूँ, आम जनता से अपील कर रही हूँ, यहाँ के जनमानस से मैं निवेदन कर रही हूँ कि विकास के मुद्दे पर मुझे वोट दें। यहाँ पर सिंचाई के साधनों का अभाव है, किसानों को पर्याप्त खेती के लिए पानी नहीं मिलता, नहरें बहुत टूटी फूटी है, पुरानी अंग्रेजों के ज़माने की हैं, और शहरी क्षेत्र में भी जैसे फ्लाई ओवर नहीं है, यातायात बाधित होता है, जबकि शहर हमारा बड़ा है काफ़ी, मतलब ए प्लस नगर पालिका है यहाँ पर। स्विमिंग पूल की लंबे समय से मांग है, तैराकी संघ के लोगों के द्वारा मांग हो रही, लेकिन पूर्ति उनकी नहीं हो पा रही है, तो स्विमिंग पूल का निर्माण करना है, सड़कों में सुधार करना है, पेयजल की उत्तम से उत्तम व्यवस्था करना है। 135 करोड़ की नल जल योजना लालबर्रा विधानसभा क्षेत्र में गौरी शंकर बिसेन जी ने चालू तो की थी, लेकिन वो पूरी भ्रष्टाचार की बलिवेदी पे चढ़ गई, जिसका आम जनता को कोई लाभ नहीं मिल पाया। 8-8 दिन तक लोगों को पानी नहीं मिलता, पेयजल की भी समस्या है, उसका भी निराकरण करने का मैं प्रयास करूँगी। शासकीय अस्पताल में डॉक्टरों का अभाव है, बहुत ज़्यादा अभाव है, उन वहाँ पे डॉक्टरों की नियुक्ति कराना, लेडी डॉक्टर की नियुक्ति कराना हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी और प्राथमिकता होगी। उसी तरह जो सरकारी कार्यालयों में या ब्लॉक ऑफिस, एक और सत्ता पक्ष लाडली बहन योजना, लखपति वो योजना जो महिलाओं के लिए चला रहा है, आरक्षण कभी उनको फायदा होने जा रहा है, इस तरह के वादे किए जा रहे हैं, तो उस पर आपका क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में 18 सालों से सरकार है, माननीय शिवराज सिंह जी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उन्होंने आज तक लाडली बहना की याद नहीं की। आज तक उन्होंने जन समस्याओं क्या, किसानों की धान का रेट देने के प्रति कभी गंभीरता नहीं दिखाई, लेकिन अब सामने क्योंकि चुनाव था, चुनाव में महिला मतदाताओं को अपने तरफ आकर्षित करने के लिए, मतदान के वोट के लिए उन्होंने लाडली बहना योजना चालू की मात्र 6 महीने पहले। लेकिन आम उसमें भी बहुत सारी महिलाओं को दुनिया भर के नियम कानून के तहत लाभ नहीं मिल पा रहा है, इससे जनता महिलाओं में नाराजी है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि माननीय हमारे प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी कांग्रेस के, उन्होंने भी 101 वचन दिए हैं कि वो अगर सरकार में आते हैं, कांग्रेस की सरकार बनती है, तो वो क्या क्या करने वाले हैं। तो उन्होंने कहा है कि हमारी जो 18 साल से ऊपर की हमारी जो बहनें हैं, बेटियां हैं, उनको हम हर महीने नारी सम्मान योजना के अंतर्गत 1500 रुपये देंगे। तो ये महिलाओं के लिए बहुत अच्छी योजना है, लागू होगी कांग्रेस की सरकार आएगी तो। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ लोक लुभावने वादे करती, सिर्फ चुनाव में, लेकिन